आज हम देखेंगे एक सिंपल आलू की सब्जी जो हमने सारस्वत स्टाइल से बनाई है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट और अनियन की ग्रेवी और नाम है बटाटा सौंग। इसे हम सर्व करने जा रहे हैं चावल के आटे की भाकरी के साथ। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल ही फटाफट बन जाता है बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं। पहले बनाएंगे बटाटा सौंग, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। पहले हम लेंगे आलू 3 मीडियम, उसे हम प्रेशर कुक करेंगे और फिर ठंडा होने पे इसका छिलका निकाल के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। 4 से 5 लाल मिर्च लेनी है जिसमें कलर अच्छा आता है, और फिर इसे 1 टीस्पून तेल। हमने इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि कोकोनट ऑयल इस डिश में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इसे हल्के से हमने फ्राई किया है। अब लेंगे नारियल 3/4 कप, और फिर जो मिर्च है उसको नारियल के साथ हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसते वक्त हम डालेंगे इसमें एक छोटा सा इमली का टुकड़ा। अब इसे एक स्मूथ पेस्ट में थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करना है। एक प्याज लिया है हमने 1 मीडियम, और इसे हम फाइन चॉप कर लेंगे। अब जिस पैन में हमने मिर्च को फ्राई किया था उसमें 1 और चम्मच तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चुटकी हींग का। फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे इसमें मसाले की पेस्ट जो हमने स्मूथ ग्राइंड करी थी, और डालेंगे इसमें जो आलू हमने उबाले थे और काटे थे उसे मिक्स करेंगे। इसमें अब 1 कप पानी डालेंगे। ये जो मसाला बचा हुआ है उसी में इसे डालकर, ताकि सारा मसाला हम यूज़ करें। इसे नमक डाल के इसे 5 मिनट के लिए सिमर करना है, और तैयार हो गया हमारा बटाटा सौंग। इसे हमने सर्व किया है चावल के आटे की भाकरी के साथ, जो बनाने में बहुत ही सिंपल है। और इसके लिए हमें चाहिए चावल का आटा। 1 कप चावल के आटे में हम 7 भाकरियाँ बनाएंगे छोटे साइज की। तो आप एक पैन में 1 कप पानी लेंगे, उसके उबलने पे उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी, करीब करीब 1/4 टीस्पून। अब डालेंगे चावल का आटा और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाना है ताकि ये स्टीम पे पक जाए। बस ये तैयार है, अभी इसे हम गूंद लेंगे। इसे हमने प्लेट में निकाला है, ये बहुत ही गर्म है इस स्टेज पे। इसे 5 मिनट के ब्रेक के बाद इसे हम गूंदना शुरू करेंगे। आप थोड़ा पानी का हाथ लगाएं ताकि ये बहुत गर्म ना लगे, बट इसे गर्म होते हुए ही गूंदना है। 6 से 7 मिनट हमने इसे गूंद लिया, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और अब ये भाकरी बनाने के लिए तैयार है। इसके हम 6 से 7 पोर्शन के राउंड्स बना लेंगे, और अब दोबारा से इसे गूंद के इसे चावल के आटे में डिप करके इसे हम रोल कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही रोल करना है जैसे रोटी को बेलते हैं, बस उसी प्रकार से। अब इसे तवे पे डालेंगे और हल्के हाथ से पानी लगाएंगे। अब जब एक तरफ से पक जाए तो इसको उल्टा कर देंगे और फिर इसे डायरेक्टली गैस पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फूल जाएगा, इसमें हल्का सा घी लगाएं, और बस हमारा खाना तैयार है। बटाटा सौंग और तांदूर मतलब चावल की भाकरी। ये डिश आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे।